एसिटिल क्लोराइड से अल्कोहल की अभिक्रिया। एसिटिल क्लोराइड से किसकी अभिक्रिया? तो सबसे पहले अपने को एसिटिल क्लोराइड को खोल के देखना है कि एसिटिल क्लोराइड होता क्या है। CH3COCl, CH3COCl, इसको ओपन करके दिखा रहा हूं। C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा और एक साइड से CH3 और एक साइड से Cl। मिथाइल कार्बोनिल क्लोराइड, मिथाइल कार्बोनिल क्लोराइड को ही मैं एसिटिल क्लोराइड कह रहा हूं। एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया ROH या HOR है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन टूट रही है, इसलिए पहले H को लिख लूं फिर R को। दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो ROH भी बन जाएगा। एसिटिल क्लोराइड की जब अल्कोहल से रिएक्शन क्रिएटिन की प्रेजेंटेशन में करवा रहा हूं, एसिटिक एस्टर बन रहा है, एसिटिक एस्टर बन रहा है और लास्ट में HCl फ्री हो रहा है। लास्ट में क्या फ्री हो रहा है? HCl। वैल्यू रख रहा हूं CH3COCl मिथाइल कार्बोनिल क्लोराइड क्लोराइड के रिएक्शन C2H5OH। देखो डाउट में आने की जरूरत नहीं है, O और H को बाहर इसलिए लिखा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड डीकंपोज हो रहा है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो रहा है? डीकंपोज, इसलिए मैंने O और H लिखा है, वरना C2H5OH भी राइट डाउन कर सकता हूं। ये भी एथेनॉल है, ये भी एथेनॉल है, कोई क्रिएटिन की प्रेजेंटेशन में रिएक्शन हो रही है, एसिटिक एस्टर और लास्ट में बन रहा है HCl प्लस HCl। यस या नो? डाई एजो मेथेन से रिएक्शन मैंने पहले भी आपको दो बार बता दिया। ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बना रहा हूं N2Cl प्लस और माइनस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन आपको दिखाई दे रही है नीचे, इसके साथ आपको लग गया डाई, N का मतलब एजो ग्रुप होता है एजोनियम और Cl का मतलब क्लोराइड, तो ये बन जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो N2 दिख रहा है, इसका मतलब अपन एजो बोलेंगे, N2 को क्या बोलेंगे? एजो ग्रुप। ROH अल्कोहल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन डीकंपोज होगी, C2CH2NH2 एजो एक कर, N2 के लिए तो मैं एजो यूज करूंगा और C के लिए मेथ, एजो मेथेन, अल्कोहल की रिएक्शन एजो मेथेन से कर रहा हूं। देखो ईथर बन रहा है बच्चों, एल्किल मेथिल ईथर, एल्किल मेथिल ईथर, हाइड्रोजन फ्री हो गई। अगली वाली रिएक्शन में C2H5OH एथेनॉल, एथेनॉल की रिएक्शन डाई एजो मेथेन से कर रहा हूं, एजो मेथेन रह गई है, बोलो दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, ये हो जाएगा एथिल, एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर या एथोक्सी एथेन और लास्ट में हाइड्रोजन निकल जाएगी। Yes या no? Yes sir. बोलो बच्चों। Yes sir. क्लियर? Yes sir.